दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में भारत ने अब ईरान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सर्वाधिक संक्रमित देशों की सूची में दसवें स्थान पर पहुंच गया है ईरान में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या एक लाख पैंतीस हजार सात सौ एक है जबकि अब भारत में कुल संक्रमितों की संख्या एक लाख अड़तीस हजार आठ सौ पैतालीस हो गई है देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है पिछले चौबीस घंटे में कोरोना वायरस के छह मरीज सामने आए हैं जबकि एक ने अपनी जान गंवा दी है स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख है और सतहत्तर एक्टिव एक केसेस है वहीं अब तक सत्तावन ठीक होकर अपने घर वापस लौटे हैं जबकि देश भर में चार लोगों की मौत भी हुई है जानकारों का कहना है कि यदि इसी रफ्तार से केस बढ़ते रहे तो भारत जल्द ही तुर्की को भी पीछे छोड़ देगा दुनिया के सर्वाधिक संक्रमित देशों की सूची में इस समय तुर्की नौवे स्थान पर है वहाँ पर औसतन रोजाना हजार नए केस सामने आ रहे हैं भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में आई तेजी को देखते हुए माना जा रहा है कि भारत चार से पाँच दिनों में तुर्की को भी पछाड़ कर दुनिया में नौवे स्थान पर पहुंच जाएगा तुर्की में अभी एक लाख छप्पन हजार से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। अमेरिका अभी भी दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है यहाँ सोलह लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित है ब्राजील में चार सप्ताह में करीब साढ़े लाख मरीजों की पहचान की गई है और वो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है ब्राजील के बाद रूस यूके और स्पेन क्रमशः तीसरे चौथे और पांचवें स्थान पर है यूके और फ्रांस को छोड़ दें तो बाकी सभी प्रभावित देशों में कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर पड़ रहा है अंकुश चौबे की रिपोर्ट को न्यूज